होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। फ्राइडे का दिन है, कल भी व्लॉग शूट किया था, आज भी व्लॉग शूट कर रहे हैं। अब देखते हैं शायद हम रोज शूट कर पाए या नहीं कर पाए, आई डोंट नो। अब निकलने अब जो टाइम है फिलहाल, अभी जा रहा हूँ मैं जिम, चल रही है ब्लैक कॉफ़ी विस्की के ग्लास में। बैटरी जो है डाउन होने वाली है, चलते हैं क्या। आपने देख रहे होगी यार ये बंदा तो बाइक वाइक पे क्या एकदम है नया रूप लेकर के आया। सीन ये था कि काफ़ी दिन पहले ही मैंने हेलमेट ले लिया था और ये माउंट वाउंट फिक्स कर लिया था मैंने, ताकि कि चल यार मैं कहीं जाऊं और क्या कहते हैं मैं मोटर व्लॉगिंग भी थोड़ी बहुत दिखा पाऊं। इसलिए मैंने कैमरा तो मैंने एक्चुअली मेरे पास गोप्रो तो ऑलरेडी था ही, एक सेकेंड, गोप्रो तो ऑलरेडी था मेरे पास और क्या कहते हैं कैमरा और ये हेलमेट और ये माउंट फिक्स करने का देखना था जुगाड़। हेलमेट लेके आया था और माउंट तो फिक्स एक बार 20 रुपये की हम से लगा के हो ही गया था, तो मैंने कहा चलो अब ये भी शुरू कर देते, कोई दिक्कत तो है नहीं खास, करने में क्या ही जाता है। ठीक है आओ। क्या कर रहे भाई साहब? एडिटिंग करने बैठा हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा, पेमेंट आ नहीं रही है, इतने दिन से पेमेंट रोकी हुई है। पिछले मैं 3 ब्लॉग शूट कर चुका हूँ, 2, अभी तीसरा हो रहा है। हाँ तीसरा हो रहा है अभी तक। पेमेंट तो छोड़ो, पेमेंट तो रात को बात करेंगे मैच के बाद। अभी तक आपने क्यों नहीं किया? पेमेंट रुकी पड़ी है भाई साहब। कितनी पेमेंट रुकी हुई है आपकी ये बताओ ना, आपकी कितनी पेमेंट मैंने रोकी है आज तक ये बताओ। आपको मैंने शम्मी का चिकन खिलाया, खिलाया। तो अब पेमेंट कहाँ से रुकी है आपकी बताओ? मेरी पेमेंट आई भाई साहब, कोई पेमेंट नहीं है। भगवान का नाम मानो, एडिटिंग दबा के किया करो, टाइम से नहीं तो एक गुद्दी पे पड़ेगा तुम्हारी, समझ रहे हो? अगर किसी ने गाली ना लिखी तो कर दूंगा मैं टीम से। ये बंदा नहीं करता बस। जब तक मैं, एक होता है ना यार, जब तक तुम अपना काम खुद कर रहे हो ना, तब तक तुम टाइम टू टाइम करते रहोगे। अगर तुमने अपना काम किसी को दे दिया करने के लिए, वो बंदा कभी नहीं करता काम, कभी भी नहीं। और ऐसा ही हो रहा है अभी बार बार कि यार मैं इसको कितनी बार बोलता हूँ कि मेरा काम कर दे, मेरी रेटिंग करते, नहीं करेगा ये बंदा। एक नंबर, एक नंबर टिक्की बनाई है मेरी बड़ी मम्मी ने। बड़ी मम्मी वो खा लूँ पक्का यार? खाने तो नहीं चाहिए, जिम विम कर रहे हैं पर चलो। जिम कभी कभी तो दिल करता ही है। स्वाद है यार, बहुत स्वाद है। ये तो मुझे नहीं पता स्वाद है, लेकिन कभी कभी दिल करता है। थैंक यू बड़ी मम्मी, कल से कह रहा है। शाउट आउट टू बड़ी मम्मी, कल से कह रहा है, कल बाजार वाली लेडीज को कह रहा है बहुत नहीं चाहिए, मैं तो घर की बना के दो। मैं जबरदस्त है यार, क्या हुआ गाड़ी सीख ली? सीख ली बस लेनी बाकी। पैसे ले ले पापा से, 2 लाख रुपया भी लेके देता हूँ।
पता है ऐसे कौन हंसते हैं? कौन हंसते हैं बिना रीजन के? बिना रीजन के कौन हंसते हैं? आपने तो सिखाया है। इधर नहीं सिखाया मेरे को। इधर नहीं। इधर नहीं। मेरा नेबर है। ये मेरा नेबर है। ठीक है। तो ना ये पहले छोटा होता था ना, दीपक भैया नमस्ते करता रहता था। और अब कैसे कैसे दोबारा? जय माता दी। सोशल डिस्टेंसिंग है। भास्कर कहाँ है? कपड़े रखने लगे। कौन से साले? तू ऐसी कैसी कर रहा है? मार दो इसको, ढंग से बता दे आज। मार दो इसको, बोल मार दो, मार दो इसको। आज बहुत दिनों बाद मेरा दोबारा मन करता है कोरियन फूड खाने का, तो मैं निकलता हूँ भास्कर को लेकर के अपने इंस्टीट्यूट, जहाँ पे एक नॉर्मल कैफे भी है। और आज काफ़ी टाइम बाद मेरे को अपने इंस्टीट्यूट की याद से भी आई गया। चलो भाई, जहाँ पे 3-4 साल तूने बिताए, 3-4 साल तो नहीं, एक 2.5 और मे बी 3 से कम या 2 से ज़्यादा, ऐसा ही कुछ चलता है। तो वहाँ पे मैंने सोचा चलिए यार कुछ टाइम बिता के आते हैं, कुछ टाइम देख के आते हैं कि क्या चल रहा है। मतलब भाई इतना टाइम बाद जब तुम जा रहे हो तो थोड़ा सा देखा यार क्या जाता है देखने में, राइट? और निकले हैं और वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे एक कैफ़े भी है, कोरियन कैफ़े है, वहाँ से थोड़ा बहुत कुछ अगर अच्छा लगे तो खा भी लेंगे। खाने में तो हम पीछे हटते नहीं वैसे भी। और एज यूजुअल हमें फिर से ट्रैफिक फेस करना ही पड़ता है। दिल्ली में कहीं भी जाओ पहले तो ट्रैफिक मिलता है, और उसके बाद हम मेरे को कुछ और मिलता है जो कि हमारे लिए अब यूजुअल चीज़ हो चुकी है। लाइक इट्स लाइक मतलब आटे में नमक। वैसे आटे में नमक ज़रूरी है, वैसे दिल्ली में ट्रैफिक ज़रूरी है। मैंने बहुत इन्जॉय किया था जब थोड़ा सा लाइक अनलॉक लॉकडाउन चल रहा था। अब तो अनलॉक चल रहा है, जब लॉकडाउन चल रहा था तो बिंदास हम घूमते थे फिरते थे, कोई टेंशन नहीं होती थी। हैं ना जाओ, गाड़ी सीधा सीधा पहुंच जाती थी, इतना ट्रैफिक में नहीं लगता था, पेट्रोल की सेविंग होती थी, पेट्रोल ही बच जाता था, ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम नहीं होता था गाड़ी। ऑब्वियसली जितना ट्रैफिक में गाड़ी रहेगी उतना ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम करती है गाड़ी। लेकिन अभी क्या है ना, वो सिस्टम भी नहीं है, अभी सही रहता है। बट अब तो ट्रैफिक है, कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, जो है वो है, वो तो सहन करना ही पड़ेगा ना। और शायद अगर मेरी कोई टीचर मिली तो आई विल इंट्रोड्यूस माय टीचर एज वेल। अगर कोई मिली तो मिल सकती है, शायद मिले, मेरी शिकायतें करेगी। और जैसे जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी, जब मेरा एंड हो गया था बेसिकली फॉरेन लैंग्वेज का, तो भास्कर ने शुरू किया था। ओह फक यार, प्लीज़ यार जल्दी ना, मतलब सब्सक्राइबर बढ़वाओ, थोड़े व्यूज़ आएँ। मैं यार गाड़ी ले लूँगा यार, एक ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी है। बहुत थक चुका हूँ यार मैं इस गियर शिफ्टिंग से, मैनुअल से, बहुत ज़्यादा यार, मतलब हद हो गई है हद। तुम्हें अच्छा लगता है कि यार मैं एक हाथ से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, एक हाथ से पहले मैं गियर डाल रहा हूँ, एक हाथ से शेयरिंग संभाल रहा हूँ? कितना रिस्की है ना, है ना रिस्की? अगर तुम्हें लगता है कि ये रिस्की है तो प्लीज़ समझ लो क्या करना है, सब्सक्राइब कर दिया करो यार टाइम टू टाइम। पता है सब्सक्राइब करोगे ना तो यार चैनल को सपोर्ट मिलता है यार, मुझे भी लगता है। अभी क्या है ना, सब्सक्राइब होता नहीं है और मैं वीडियोज़ डालता रहता हूँ, उसके बाद लगता है यार जब सब्सक्राइब नहीं हो रहा, अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे, लोग पसंद नहीं कर रहे, मे बी मुझे नहीं पता कि कंटेंट पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे, आई डोंट नो। अगर ऐसा लगता है तो मतलब फिर दोबारा से एक होता ना यार, एक मन सा थोड़ा सा यार होता है यार कि डाले ना डाले, किसी को पसंद आ रही है नहीं आ रही, वैसी वाली फील आ जाती है, नॉट अ बिग डील, आती है, हर किसी को आती है। तो मैं नहीं चाहता कि मुझे ऐसी दोबारा फील आए, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे चैनल को, और वीडियोज़ को ना यार शेयर किया करो, ताकि ना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स होंगे, है ना। तो ज़्यादा जल्दी जितनी जल्दी मैं ग्रो करूँगा उतना अच्छा है, क्योंकि आगे बहुत कुछ करना है मुझे इस चैनल के थ्रू, जो कि बहुत कुछ सोचा हुआ है अच्छा, बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। मुझे मिल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा, बट कोई बात नहीं, अभी जितना दे रहे हो उसे थोड़ा सा ज़्यादा देना शुरू कर दो। जो मेरा इंस्टीट्यूट है कोरियन कल्चर सेंटर इंडिया, वो अभी है बंद, इसीलिए मुझे थोड़ा सा मतलब मूड सेट नहीं है यार, कि यार इतनी दूर आए भी हैं हम इस चीज़ के लिए और इंस्टीट्यूट ही बंद हो तो फिर क्या ही यार, इतना तेल जला करके हम पेट्रोल जला करके आए हैं। एनीवेज कोई बात नहीं, जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, क्या पता मुझे यार नहीं खाना चाहिए था तभी तो वो इंस्टीट्यूट बंद मिला है, कोई बात नहीं। सो अभी हम जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ,
और कुछ बिना खाए बिना कुछ पिए बात कर रहा स्कूल नहीं खेल रहा है। और मैं यहाँ पे फिर जा रहा हूँ घर की तरफ, मम्मी वेट कर रही है, मैंने तुम्हें बोला है मैंने अच्छा सा खाना बना दो मेरे लिए, मैं वही खाऊँगा और मुझे बाहर से कुछ।